नमस्कार साथियों, उज्जवल लक्ष्य YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, गणित के आज के क्लास में हम एक महत्वपूर्ण उदाहरण लेकर आपके बीच आए हैं जो गणित के एक बेहतरीन अवधारणा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप सभी का आशीष, स्नेह और सहयोग मुझे लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का विशेष रूप से धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से आप सबका आशीष मुझे मिलता रहे। जो साथी आज नए पहले बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, उससे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें गणित को बहुत ही सरल करके आपको बताया जा रहा है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह किताब की दुकान है जहां हमें पेन, पेंसिल और कॉपी खरीदनी है। दुकानदार ने बताया कि पेंसिल की कीमत 4 रुपया, कॉपी की कीमत 10 रुपया और पेन की कीमत 5 रुपये हैं। हमें इसको इस प्रकार से ख़रीदना है कि जितने रुपये का हम पेंसिल खरीदेंगे उतने ही रुपये का कॉपी खरीदना है और उतने ही रुपये का पेन खरीदना है, अर्थात तीनों के लिए बराबर बराबर मात्रा में पैसा खर्चा करना है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि हम इसके लिए कितने कितने मात्रा में सामग्रियाँ लें जिससे सभी के लिए बराबर बराबर मात्रा में राशि देनी हो। तो इस स्थिति में हम इसका लघुतम समापवर्त्य अर्थात LCM ज्ञात करेंगे। LCM ज्ञात करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला अपवर्त्य विधि, जिसको कहा जाता है मल्टीपल्स मेथड, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा है भाग विधि अर्थात द डिवीजन मेथड। इस वीडियो में हम इसके पहले विधि अपवर्त्य विधि के बारे में जानेंगे। इस विधि को आप ध्यान से देखेंगे और आपके पुस्तक में जो भी अभ्यास है उसको अवश्य कीजिएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसका उत्तर हमको LCM से मिलेगा, तो हम 4, 10 और 5 का LCM ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 4 का अपवर्त्य लिखते हैं। यह देखिए 4 का अपवर्त्य है। अपवर्त्य क्या होता है इसके बारे में हमारा वीडियो जारी हो चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। उसके बाद 10 का अपवर्त्य लिखिए। ये देखिए 10 का अपवर्त्य है, यहाँ पे डॉट डॉट है, इसका मतलब यह आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ 50 तक समाप्त नहीं हो रहा है, यह आगे बढ़ते जाएगा, यह 40 से भी आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार 5 का अपवर्त्य लिख लीजिए, यह भी आगे बढ़ेगा। अब हमें ऐसा अपवर्त्य ढूंढना है जो तीनों में शामिल हो। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर नहीं है, दोनों में 10 है लेकिन यहाँ पर 10 नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 12 किसी में नहीं है, 16 किसी में नहीं है इसके अलावा। अब हम देखिए 20 इसमें भी है, 20 यहाँ भी है और 20 यहाँ भी है, तो इसको हम मार्किंग कर दिए, तीनों में 20 है। इसी प्रकार और आगे बढ़े तो हमको मिला कि तीनों संख्याओं के अपवर्त्य में 40 भी है। अब ये 20 और 40 को हम अलग कर दिए, जिसको नाम दिया गया सम अपवर्त्य। सम अपवर्त्य मतलब एक समान अपवर्त्य। तो सबसे पहला आया 20, उसके बाद आया 40, और ये आगे बढ़ा, इसका मतलब 40 के बाद आएगा 60, उसके बाद 80, 100, 120, इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएगा। अब हमें लघुतम समापवर्त्य अर्थात LCM ज्ञात करने हैं। तो लघुतम का अर्थ होता है सबसे छोटा। तो इन दोनों में जो समान अपवर्त्य निकाले हैं उसमें जो सबसे छोटा अपवर्त्य है वही लघुतम समापवर्त्य होगा। जैसे यहाँ पर 20, तो 4, 10 और 5 का LCM 20 प्राप्त हुआ। अब वापस प्रश्न में आते हैं, जहाँ अब हमको यह मालूम हो गया कि प्रत्येक को हमको 20-20 रुपये का खरीदना होगा। इस आधार पर पेंसिल खरीदना होगा 5 की संख्या में, 4×5=20, कॉपी खरीदना होगा 2 की संख्या में और पेन को खरीदना होगा 4 की संख्या में। अतः चाहे हम 5 पेंसिल लें उसके लिए भी 20 रुपये देना होगा, 2 कॉपी को खरीदे तो भी 20 रुपये देना होगा और 4 पेन ले तो भी 20 रुपये देना होगा। इस प्रकार LCM के द्वारा हमारा जो समस्या था उसको हमने समाधान कर लिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितने सरल तरीके से हम अपने विभिन्न समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं और अपने उदाहरणों के द्वारा ही हम गणित को सीख सकते हैं, क्योंकि गणित कठिन विषय नहीं है, गणित बहुत सरल विषय है, बस उसको देखने का नजरिया चाहिए। और हमारा मूल मंत्र भी है, रटना नहीं है समझना है। जब हम समझ के साथ पढ़ेंगे तो हमारी नॉलेज जो है अपडेट होगी। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आप सभी को धन्यवाद, और आप सभी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।